एमिनेस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन। बीजेपी नेता आशीष शेलार को चार से मारने की धमकी, एसटी संगठन की मान्यता रद्द। आइए देखते हैं खबरें और विस्तार से। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना के बेलगाम बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब प्रतिबंधों को और भी कड़ा करने का फैसला किया है। इस बारे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश पर मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती ने शनिवार को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये सभी नियम रविवार को मध्य रात्रि से लागू हो जाएंगे। इसके तहत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। इसके तहत एक साथ 5 लोगों के जमा होने पर पाबंदी होगी। रात में केवल आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेंगी। सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 15 फरवरी तक बंद। 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए कोचिंग कक्षाओं के लिए भी छूट दी गई है। अन्य सभी कोचिंग कक्षाएं 15 फरवरी तक बंद रहेंगी। ये कक्षाएं ऑनलाइन शुरू रहेंगी। अगली खबर, मुंबई के बीजेपी विधायक आशीष शेलार को जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है। बीजेपी शेलार का कहना है कि पिछले 2 दिनों से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। आशीष शेलार ने जिन 2 नंबरों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं उनकी जानकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर को दी। शेलार ने गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को भी खत लिखकर इस मामले की जाँच करने की विनती की। आशीष शेलार मुंबई के बांद्रा विधानसभा सीट से विधायक है। शेलार को पहले भी इस तरह से धमकी मिल चुकी है। पुलिस ने आरोपी को मुंब्रा से गिरफ्तार किया था। शेलार का कहना है कि उन्हें फोन कर धमकियां मिली है। उनके परिवार वालों को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। अगली खबर, महाराष्ट्र में कई जगहों पर अभी भी एसटी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए नोटिस भेजने के बाद भी काम पर हाजिर न होने वाले कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करना शुरू कर दिया है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है जिसके अनुसार एसटी महामंडल के स्टेट ट्रांसपोर्ट श्रमिक संगठन की मान्यता को ही औद्योगिक न्यायालय ने रद्द कर दिया है। एमआरटीयू और पीयूएलपी कानून 1971 के अनुसार यह कदम उठाया है। यह एसटी महामंडल का एकमात्र मान्यता प्राप्त संगठन है। इस कदम से आने वाले समय में एसटी कर्मचारी और सरकार के बीच संघर्ष और भी बढ़ सकता है। इंटक संस्था ने 2012 में महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कामगार संगठन की मान्यता रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट का दर खटखटाया था। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।